हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन अपना है टाइम एंड वर्क का है। तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो ये दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे लास्ट तक। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आइए दोस्तों, देखिए, ए और बी किसी काम को कर 15 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला 24 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ये चार ऑप्शन आप सामने कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन। अब दोस्तों देखो, इसकी पिछले वीडियो में बहुत सी बार मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज वो वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। देखिए, ए और बी का मतलब होता है ए प्लस बी, ये दोनों मिलके काम को कितने दिन पूरा करते हैं, 15 दिन। ठीक है, और ए अकेला कितने दिन में करता है, 24 दिन। ए अकेला कितने दिन में करता है, 24 दिन। तो पूछा कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे चौबीस, 15 और 24 का अपने को एलसीएम लेना है, कितने दिन में काम पूरा करते हैं इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो देखिए, 24 दिन अड़ता है, 24 तो बहुत, 24 पंजे 120 आएगा, 15 अट 120। ठीक है, ये 120 इसका एलसीएम होगा, है ना, 24 पंजे 120 और 15 अट 120। ऐसी एलसीएम ऐसी संख्या होनी चाहिए जिससे दोनों का भाग जाता हो, इसको बोलते हैं कुल कार्य। क्या बोलते हैं, कुल कार्य। और यहाँ आती है इसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। अब कार्य क्षमता क्या होगी, देखिए ए प्लस बी की कार्य क्षमता क्या होगी, 15 अट 120, इन दोनों की कार्य क्षमता 8 दिन की, क्योंकि एक काम 8 दिन में, मतलब दोनों मिलके एक दिन में 8 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं। अपने पास कुल काम कितने हो गए, 120 काम हो गए, और एक दिन में दोनों 8 ही काम करते हैं। और ये कितना होता है, 24 पंजे 120, और ये कितना काम करता है, 5 काम करता है। ये एक दिन में कितना काम करेगा, केवल 5 काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको मालूम पड़ रहा है कि बी एक दिन में कितना काम करता है, ये मालूम पड़ रहा है आपको, बी एक दिन में कितना काम करता है, इसकी एफिशिएंसी मालूम पड़ रही नहीं पड़ रही। क्यों, देखिए ए प्लस बी का कितना 8 है, तो ए का अकेला कितना 5, तो बी का कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा। बी का कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा। बी का कितना बचेगा, 3। ठीक है, इसी 3 का इसमें भाग लगा दो, 120 में 3 का भाग लगा दो, तो 3 चौके 12, 40 दिन। कितने दिन में काम पूरा करेगा, 40 दिन में काम पूरा कर देगा। तो बी को अकेला कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। है ना मज़ेदार ट्रिक, कुछ नहीं करना दोस्तों। ये जितने दिन में काम करे, भले ए और बी काम करे, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, है ना, और इन दोनों को जोड़ के इसका काम निकालो। पिछले वीडियो में ऐसे क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं, अगर दोनों का दे दे तो दोनों का निकाल लो, इनका केवल एलसीएम लेना, और एलसीएम लेके कुल कार्य, वो क्या अपना हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। कुल कार्य में एफिशिएंसी आ जाएगी, कार्य क्षमता आ जाएगी, जिसको बोलते हैं कार्य क्षमता। 15 अट 120, 8 दिन, यानी कि दोनों मिलके एक दिन में 8 काम करते हैं। 8 काम का मतलब होता है कोई चटर बनाना, खिलौने बनाना, कोई गड्ढे खोदना, कोई दीवार बनाना, जो भी काम हो 8 काम करेंगे एक दिन, कोई कुर्सी बनाना हो, ऐसे वो 8 काम करते हैं। और ये करते हैं 5 काम, और बी वाला करता है 3 काम। तो इसको कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे, क्योंकि अपने पास काम कितने, 120 काम। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बढ़िया अच्छा आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, दूसरा क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि ए बी सी तीन किसी काम को 15 दिन 10 दिन 12 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर उस कार्य कितने दिन पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने 5 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन, ये चार ऑप्शन आप सामने आ रहे हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, देखिए ए कितने दिन में करेगा, 15 दिन, बी का 10 दिन, सी का है 12 दिन। तो अपन इन तीनों की क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 12 10 12 10 15 का। अब दोस्तों, एक एलसीएम अपनों को अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है,
एलसीएम अपने को अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक ऐसी संख्या चेस करो जिसका जिसमें तीनों का भाग जाता हो, इन तीनों का भाग उसमें जाता हो। देखो तो 30 तो 12 चौक 48 नहीं 12 पंजा 60, 60 ले लो, 60 में 12 का भी जा रहा, 10 का भी जा रहा, 15 का भी जा रहा। तो एलसीएम कितना लेंगे अपन, 60 ले लो, इसको बोलते हैं एलसीएम या कुल कार्य, इसको कुल कार्य कहते हैं। और एलसीएम लेके भी देख लो 60 आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि आपको यकीन होगा कि नहीं होगा कि सर ने यूं 60 लिख दिया। देख लीजिए आप 15 10 12, देखिए 15 10 12 का एलसीएम लेके देख लो आप एक बार, 2 से लगाया 15 ऐसे, 2 5 10, 2 5 12 है ना, 3 से लगाया 3 5 15, 5 1 3 2 6, 5 से लगाया 1 1 2 5 2, तो 2 3 6 5 30 30 2 60 ये आ गया, आ गया सिम 60। तो अपनों को अगर यहाँ 60 की जगह 120 लिखूँ तो भी आंसर वही आएगा, शर्त ये है कि सब तीनों का भाग उसमें जाना चाहिए बस। तो छोटे से छोटा अंक कौन सा आ रहा अपना, 60 आ रहा है। एलसीएम मतलब सबसे छोटा अंक ऐसा है जिसमें तीनों अंकों का भाग जा रहा हूँ। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। देखिए 15 चौके 60 यानी कि एक एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। 10 छंग 60 एक दिन में 6 काम कर लेता है। 12 5 60 एक दिन में 5 काम करता है। अब ठीक है तो एफिशिएंसी होगी। अब कह रहा तीनों मिलके कितने दिन पूरा करेगा, तो तीनों निकाल लें कि ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ लो आप। देखो 4 6 10 5 15 इसका इसमें भाग लगा दो, तो 60/15 15 चौके 60 4 दिन, तीनों मिलके उस काम को 4 दिन में पूरा कर ले। तो मजेदार ट्रिक, बी ऑप्शन राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बड़े अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा आपका सामने क्वेश्चन। अब ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है, तो बी ने उस काम को कितने दिन में पूरा किया होगा। देखिए तो पहले तो वही ट्रिक अपनी कि ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ठीक है तो अपन इन दोनों की क्या कुल काम निकाल लेते पहले। तो 15 और 10 का 30 एफिशिएंसी कितनी होगी, 30 होगी, क्योंकि 30 में 15 का भी भाग जा रहा है, 10 का भी भाग जा रहा है, एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं। ठीक है तो कुल कार्य होगी अपने पास क्या हो गया, कुल कार्य हो गए ये 30 काम है अपने पास, कुल कितने काम है 30 काम। अब एफिशिएंसी निकाल लो, 10 3 30 15 2 9 30, तो ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं यानी कि ए और बी, दोनों की कार्य क्षमता 3 और 2 5, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आई, 5 आई। ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। अब दोनों ने कितना काम किया, 2 दिन काम किया, कितने दिन काम किया, 2 दिन बाद दोनों मिलकर 2 दिन काम किया, तो 5 दूनी कितना 10 काम हो गए। तो 30 में से 10 माइनस कर दो, बचेगा कितना 20 कार्य। अब शेष कार्य को बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो देखो शेष कार्य अपने पास कितना है, बी से और बी अकेला, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, बी एक दिन में कितना 2 काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 10 दिन। तो बी एक दिन में 2 ही काम करेगा, उसको 10 दिन लगेंगे।
शेष काम को कितने दिन वो लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बड़े अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, ए और बी काम कर रहा है, इनका कार्य निकाल लो। कार्य कितने हो गए? 30, वो निकल गया। दोनों ने एक दिन में कितना काम? 3 × 2 = 5। एक दिन में 5 काम करता है, 2 दिन में इन्होंने 10 काम कर लिया। बचा कितना? 20 काम बचे। 20 काम के लिए बी की बात हो रही है, 20 से भाग लगा दो। अगर यहाँ बी काम छोड़ गया था तो ए से भाग लगा दो। अगर इन्होंने 4 दिन काम किया तो 4 दिन का गुणा करके घटा दो। कुछ ऐसा कहे वैसे कर लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन ऐसा ही एक और देख लेते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिन पूरा करते हैं और बी उसी कार्य को 25 दिन पूरा करते हैं। देखिए ए कितने दिन करता है? 20 दिन में, और बी उसको कितने दिन में करता है? 25 दिन में। तो कुल कार्य कितने हो गए? 100 कार्य हो गए। कुल कार्य कितने हो गए अपने पास? 100 कार्य हो गए कुल कार्य कितने हो गए? 100, ठीक है। क्योंकि 20 × 5 = 100 और 25 × 100 दोनों का भाग इसमें जा रहा है। इफिशियंसी निकाल लो, कार्य क्षमता की 20 × 5 = 100 और 25 × 100 एफिशिएंसी आ गई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, बी ने 10 दिन काम, अब यहाँ पे दोस्तों केवल बी काम कर रहा है। काम को कौन कर रहा है? बी कर रहा है। दोनों मिलके काम नहीं कर रहे, उसमें लिखा था प्रश्न में, यहाँ प्रश्न में लिखा था आपको कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, या दोनों मिलकर काम शुरू किया था, लेकिन यहाँ दोनों काम शुरू नहीं कर रहे हैं, केवल बी ने ही काम शुरू किया है। काम किसने शुरू किया? बी ने, वो 10 दिन काम किया। तो फिर काम छोड़ के चला गया, तो बी ने 10 दिन में कितना काम कर लिया वो देख लेते हैं। देखिए, तो बी की बात हो रही है, तो बी ने 1 दिन में कितना काम किया? 4 काम किया। तो 10 दिन में कितना काम किया? 10 × 40 काम किया। कितना काम किया? 40 काम कर लिया। तो इसमें से 40 माइनस कर दो तो बचेगा कितना? 60 कार्य शेष। अब कह रहा है कि शेष को ए ने कितने दिन में पूरा किया? ए ने पूरा किया। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ ये पूछा इसने, कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, कुल काम कितने दिन चला? तो 10 दिन तो इसने कर लिया। अब बी ने कितना, ए ने कितना दिन किया वो देख लेते हैं। 10 दिन तो इसने काम कर लिया है ना, तो 10 दिन तो अपना ही आ ही गया, प्लस वो अपन निकाल लेते हैं। अब 60 काम शेष बचे। अब ए ने काम पूरा किया, देखो ए, तो अब ए की एफिशिएंसी कितनी है वो देख लेते हैं। कुल काम कितना अपने पास? 60 काम। ए की एफिशिएंसी 1 दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। 5 तो 5 से कटेंगे तो 12 × 5 = 60 कितना है? 12 दिन। तो बी को कितने दिन वो लगे? 12 दिन वो लगे। बी को कितने दिन लगे? 12 दिन वो लगे। तो 12 दिन और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 12 × 10 कितना दिन हो जाएगा? 22 दिन हो जाएगा। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? 22 दिन में पूरा हुआ। कितने दिन में काम पूरा हुआ? 22 दिन में पूरा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बढ़िया अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो 22 दिन कहाँ पे दोस्तों? सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो रहा है, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो का आपको अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।